Assalamualaikum students, आज हम बात करने जा रहे हैं biology 10th class chapter number 4 which is the coordination and control and the topic is the mechanism of coordination and the control. आज हम chapter number 4 का second topic पढ़ने जा रहे हैं जो कि है mechanism of coordination and control. इससे पहले मैंने आपको general से introduction बताया था coordination and control का कि coordination क्या है, control क्या है, हमारी body के अंदर ऐसा कौन सा system है, कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारी बॉडी को, और केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है. ठीक है, आज हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो कि कोऑर्डिनेशन जो है वहाँ पे वो मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है या फॉलो होता है बाय नेचर. ठीक है, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन में मुख्तलिफ लोग, बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं. अब इसको देख के आपको जहन में क्या चीज़ आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक साथ मिल के काम कर रहे हैं. अब इससे जो है अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा रन कर रहा है, ठीक है, जिस वक्त वो रन कर रहा होता है तो उसका बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसकी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं. एक तो वो रन कर रहा होता है, ठीक है, उसकी हार्ट बीट तेज़ होती है, उसके मसल्स बहुत तेज़ी से वर्क कर रहे होते हैं, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत तेज़ी से हो रही होती है. जाहिर सी बात है जिस वक्त उसके मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इस तरह से उसका सांस फूट रहा होता है. तो इस दौरान एक एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे फंक्शंस बॉडी के अंदर, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं. तो इसी चीज़ को आज हमने जानना है कि किस तरह से बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा जो है वो मैनेज किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. तो वो मैकेनिज़म क्या होता है एक्चुअली, हमें तो जनरल सा लगता है, फ़ौरन से हो जाता है, लेकिन ये जो है इसके लिए मैकेनिज़म है और 5 स्टेप्स से गुजर कर जो है रिस्पॉन्स शो किया जाता है. ठीक है, अब आप देखेंगे कि किस तरह से. फर्स्ट अगर हम इसके फर्स्ट स्टेप की बात करें जो वैसे हम जनरल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस मैनी ऑर्गन्स इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर. ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं या ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कि बहुत सारे काम मिल के आपकी ऑर्गन्स कर रहे होते हैं. द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स, और इन सारे ऑर्गन्स के मिल के काम करने की वजह से एक प्रॉपर रिस्पॉन्स शो हो रहा होता है स्टिमुलस के अगेंस्ट. अब स्टिमुलस क्या है वो मैं अभी आपको बताऊँगी, इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है. एनिमल्स, इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इज डन बाय नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है ना. अच्छा, सबसे पहले 5 स्टेप से मैंने आपसे कहा था, फर्स्ट स्टेप इसका है होता है स्टिमुलस. तो हम बात करते हैं कि स्टिमुलस क्या है. सबसे पहले स्टिमुलस, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट इज नोन एज द स्टिमुलस. एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज आ जाती है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं. फॉर एग्जांपल आप किचन में काम कर रही थी, ठीक है, या आप किसी जगह से जा रही थी और आपका हाथ टकराता है और आपका हाथ इंजर्ड हो जाता है. आप हर रोज़ तो आपका हाथ नहीं टकराता या हर रोज़ तो आपका हाथ नहीं जलता, हर रोज़ तो आपके हाथ इंजरी नहीं होती. तो वो एक स्टिमुलस है, वो चेंज है एनवायरनमेंट के अंदर. वो जो स्टिमुलस है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है स्टिमुलस है कि कोई भी चेंज अगर एनवायरनमेंट के अंदर आती है तो वो क्या चीज़ होती है, स्टिमुलस होती है. ठीक है, वो स्टिमुलस को रिसीव कौन करता है, रिसेप्टर करते हैं. मीन्स आपका हाथ जला, ठीक है, उस चीज़ को रिसीव किसने किया, रिसेप्टर्स ने किया. रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर सेंस ऑर्गन्स होते हैं. सेंस ऑर्गन्स में आईज है, नोज है, लिप्स है, ठीक है. अब जैसे आपका हाथ जला तो आपके हाथ ने सेंस ऑफ टच ने उसे क्या किया, रिसीव किया. वो रिसेप्टर है, मोस्टली रिसेप्टर्स जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स को कहा जाता है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्टिंग द स्टिमुलाई इन द वर्ल्ड अराउंड अस एंड कन्वर्टिंग देम इनटू अ नर्व इम्पल्स. फॉर एग्जांपल स्टिमुलस हुआ, आपका हाथ चला, आपके हाथ नहीं, मींस आपके सेंस ऑर्गन नहीं उसे रिसीव किया उस स्टिमुलस को. सबसे पहले स्टिमुलस, उसके बाद रिसेप्टर. थर्ड स्टेप पे आ जाता है कोऑर्डिनेटर. अब क्या होता है कि जब आपका हाथ जला, आपके हाथ नहीं मतलब आपकी स्किन ने उसे रिसीव किया, सेंस ऑफ टच ने उसे रिसीव किया, उसके बाद जो है मैसेज चला जाता है कोऑर्डिनेटर की तरफ जो कि क्या है,
एंडोक्राइन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि नर्वस सिस्टम फॉर एग्जांपल मैसेज चला जाता है ब्रेन की तरफ या नर्वस सिस्टम की तरफ जो कि कोऑर्डिनेटर है। अब वहाँ से कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, यानी आपके सबसे पहले स्टिमुलस हुआ, आपके सेंस ऑफ ऑर्गन ने उसे रिसीव किया, रिसीव करने के बाद फौरन से मैसेज चला गया कोऑर्डिनेटर की तरफ। अब जो कोऑर्डिनेटर की तरफ मैसेज गया है तो वो किसके ज़रिए गया है, सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए गया है। न्यूरॉन के हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, अगर हम न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन के हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड द मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, जिस वक्त आपके सेंस ऑर्गन ने उस स्टिमुलस को रिसीव किया तो मैसेज पहुंचाना है ब्रेन की तरफ। ठीक है, ब्रेन की तरफ जो है वो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज पहुंचाएंगे। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन्स किसके साथ जोड़ देंगे, किसके साथ, मिक्स्ड न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन जोड़ देंगे सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, अब कोऑर्डिनेटर ने, अब सेंस ऑर्गन ने तो अपना काम कर दिया, ब्रेन तक जो है वो ये चीज़ पहुँचा दी। ठीक है, ब्रेन ने आगे सब अपना काम करना है और ब्रेन ने फौरन से ये वाला मैसेज जो है ये पहुँचा देना है किसकी तरफ, इफेक्टर्स की तरफ। अब इफेक्टर्स क्या है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, आपके बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, इफेक्टर्स जो हैं वो आपके बॉडी पार्ट्स को इफेक्टर्स कहा जाता है। सबसे पहले आपका हाथ जला, ठीक है, आपके सेंस ऑर्गन ने उसे रिसीव किया, रिसीव करके मैसेज पहुंचा दिया आपके ब्रेन की तरफ, ब्रेन के बाद ये मैसेज आया आपके इफेक्टर्स जो कि आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनकी तरफ। अब बॉडी पार्ट्स ने वो रिस्पॉन्स शो किया और आपने हाथ फौरन से पीछे कर दिया, आपका हाथ जलता है आप फौरन से हाथ पीछे कर लेते हैं, ये चोट आती है आप फौरन से हाथ पीछे कर लेते हैं, ये रिस्पॉन्स है। और ये 5 स्टेप से गुजर के जाता है, हाउ द ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू स्टिमुलस एंड रिजल्ट इन चेंज इन द बिहेवियर, इट इज़ द फैंसी वे ऑफ saying effect, this is actually the mechanism of the coordination and control, right?